तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे उत्तराखंड में सरकारी काम किस श्रद्धापूर्ण तरीके से किया जाता है। और पहले तो मैं आप लोगों को कुछ फुटेजेस दिखाता हूँ, उसके बाद नहर की कंडीशन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो हमारे जेई साहब से बात होने वाली है, जो भी बातचीत होगी वो आप लोगों के शेयर करूँगा। तो देखो तो गाइज मैं पहले इस नहर का आपको स्मॉल सा पार्ट दिखाऊंगा, हालांकि ये पूरे रायवाला में यही कंडीशन है, तो मैं आपको स्मॉल से पार्ट की कंडीशन दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम किया जाता है। देखो आप देख सकते हो कितना सारा कबाड़ा है, जो भी नहर का कबाड़ा है पूरा रोड में फेंका रहता है। ये PWD की रोड है और ये सिंचाई विभाग रोड में डाल देते हैं, ये इससे कितना पॉल्यूशन होता है। हमारा पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट भी नहीं है और हमारे मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, और ये देखो ऐसा चल रहा है हमारा स्वच्छ भारत अभियान, रोड में कितना सारा कबाड़ा है एंड ये पूरा नहर का ही है। ये देखो नहर की कंडीशन, यहाँ पे लोगों के घर हैं और ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे। गर्मियों में इसमें पूरे कीड़े वीड़े लगे रहते हैं लाल वाले, एंड कंडीशन देखो आप नहर की। फिलहाल तो अभी यही सब आएंगे उनको दिखाएंगे हम, तो आपको कंडीशन दिखाता हूँ बाकी नहरों की। सो गाइस आप देख सकते हो नहरों की कंडीशन कितनी बुरी हालत हो रही है। ये देखो ये पानी लोगों के घरों तक जाता है, ये सामने घर है, अभी इसके इस साइड से भी दिखाऊँगा, एंड ये देखो दरारें ये देख सकते हो आप। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे उत्तराखंड में, ये देख सकते हो आप इस दीवार को देखो, ये पूरी टूट चुकी है फिर भी इसमें रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया जा रहा अच्छे से। सो ये एक घर के मालिक हैं, इनसे बात करते हैं। तो सर आप कुछ बताएंगे? हमारे घर पे सीलन आ रही है, देखो पूरा लीकेज है, हमारा सारा पानी अंदर जाता है, मकान टूट गया, कल को कौन जिम्मेदार होगा इसका? जी जी, तो मैं इनके घर से, हमारे पास रास्ता नहीं है जाने के लिए। जी जी है, और क्या बोलते हैं, कल को कोई दिक्कत होती है रिपेयरिंग तो हो नहीं पा रही, मकान कहाँ से बनाएं, कल को मकान गिरता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं आपको इनके घर की पूरी कंडीशन दिखाता हूँ कि पानी कैसे लीकेज होता है। भाई छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कल के दिन नहर लीक हो गई, कुछ हो गया, नहर टूट गई, तो इनके हेल्थ को भी इश्यूज आएंगे। ये देखो आप पूरा लीकेज मारता है यहाँ से, ओह माय गॉड कितना बुरा हाल हो रखा है। ये देख रहे हो गाइस आप, ये देख रहे हो पूरे पत्थर, ये ओह माय गॉड बहुत बुरा हाल हो रखा है। ये देखो आप, ये पेड़ की जड़ें तक इसमें लग गई नहरों में, पर इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, ये पत्थर उखड़ने को आए हैं पूरे, देख रहे हो आप। ये देखो मतलब बहुत बुरा हाल हो रखा है, ये हमारी उत्तराखंड सरकार ऐसे काम करवाती है, ग्राउंड लेवल पे अच्छे से पूरा वर्क नहीं होता, ये देख रहे हो आप। ये वाली नहर की पटरी गिरने वाली है, ये देखो। तो कुछ बताएंगे सर आप? ये देखो ये मकान देखो, ये देखो पूरा सीलन से पूरा ये ढल गया मकान। ये देखो आपको पूरी कंडीशन दिखाता हूँ मकान की, ये पूरे नहर की वजह से हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना नुकसान हो रहा है लोगों का इस नहर के पानी की वजह से। ये देखो ये पत्थर कैसे निकल रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, देख सकते हो आप लोग कितनी गंदी हालत कर रखी है रोड की, ये नहर के कूड़े की वजह से हुई है। कई नहरें अंडरग्राउंड नहीं हो रही, किसी किसी जगह में नहर अंडरग्राउंड है एंड कहीं कहीं नहीं है, तो आप ये देख सकते हो ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल अंडरग्राउंड नहीं किया गया है, ये पूरा ओपन है, तो जो भी गंदगी आती होगी यहीं रोड में डालते हैं। और ये PWD की रोड है, PWD भी कोई एक्शन नहीं ले रही है इसमें, ये देख सकते हो जो यहाँ पे ये पोर्शन है टूटा हुआ था, तो इन लोगों ने अपने पैसे लगा के ये सही किया गया है। तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में कि क्या क्या हो रहा है नहर के पानी की वजह से? पानी बहुत पूरा भर रहा है यहाँ पर। जी जी हाँ, और ये नहर की रिपेयरिंग नहीं हो रही ढंग से। जी जी जी, ये देख सकते हो आप लोग ऐसे दरारें आ रखी है नहर में, ये देखो। तो अब मैं आप लोगों का इनसे बात कराता हूँ, तो सर क्या बोलना चाहेंगे आप नहर के विशेष में, नहर के बारे में कि नहर की कंडीशन ऐसी क्यों है, 1986 के बाद इसमें कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुई? आप सरकारी कर्मचारी हो या नहीं हो? सिंचाई विभाग से रिलेटेड हो या नहीं हो? सिंचाई विभाग से रिलेटेड हो? करवा तो रहे हैं भाई काम। जी क्या काम होने वाला है इसमें? मैंने फुटेज वैसे ले ली है, बट कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी मैं फुटेज दिखाऊंगा, आपका क्या कहना है? जी जो फॉल्ट है उसको कर रहे हैं। जी जी, फॉल्ट होने के बाद अगर इन फ्यूचर कभी ये नहर दोबारा टूटती है या लीकेज होती है, देखेंगे वो। जी जी जी, तो ये भी सिंचाई विभाग में और ये भी सरकारी कर्मचारी है सिंचाई विभाग के, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमने क्या कहना, साहब आ रहे हैं हमारे, वो साहब देखेंगे। जी जी जी, साहब जो देखेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि इनके जो सर आएंगे उनसे ही बातचीत करें। आप नहर की कंडीशन देख सकते हो किस तरीके से कीड़े हो रहे हैं इसमें, तो मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारी इन सब चीज़ों से ही पैदा होती हैं, इसकी प्रॉपर सफाई नहीं करी जाती, बस अभी क्लीन है, बट जो आपको फुटेजेस दिखाऊंगा पहले की उसमें आप देख सकते हो कि कहीं पे सफाई वफाई नहीं कराई गई है। दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नहर की वजह से कितना पॉल्यूशन होता है रोड में, ये देख सकते हो आप लोग
कितना कूड़ा कबाड़ा है नहर के वजह से हुआ है यहाँ रोड पे। एंड ये जो नहर के कर्मचारी हैं ये यहीं रोड पे डाल देते हैं, पर इसमें कोई मतलब आगे इसका कोई कार्रवाई नहीं होती कि कहाँ जाएगा ये कबाड़ा, और लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है, इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ती है, बट कोई एक्शन नहीं लेता इसमें, और हमारा स्वच्छ भारत अभियान का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है। तो गाइस JEE and SDO साहब आ चुके हैं, तो अब इनसे हम बात करेंगे आगे दिखाने का मतलब ये है, ये जो दराज पड़ी है ना ये है, मेरा ये दिखाने का मतलब था, और कुछ ऊपर की साइड हो रहा है कहीं? नहीं नहीं, पहले हमने वहाँ स्लेस डाल रखी है, वो तो है ऑलरेडी। हाँ, इस साइड तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, ये अंडरग्राउंड हो जाता तो और बढ़िया था। तो सर ये समस्या क्या है, मतलब कहीं पे तो अंडरग्राउंड रहती है, कहीं अंडरग्राउंड नहीं रहती, ऐसा रीजन क्यों? और भी बढ़िया था पहले, ये सारी ओपन चैनल ही था जी, ओपन था जी, पब्लिक आबादी बढ़ गई जी, तो पब्लिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ा, तो वहां पे क्या स्लेव डाल के अंडरग्राउंड तो नहीं, स्लेव डाल दी, अब ऐसा लगता है जेल तो मेरा आना साहब यहां पर, अब ऐसा लगता है पूरा आगे यहां पर चैनल सारा, वो सारा पानी इधर ही आता था। तो ये समस्या, ये जो एरिया है ना जी जी, यहाँ भी सिंचाई होती थी जी, आप पहले दादा परदादा आपकी करते हो, पहले सिंचाई होती थी, हम खुद बोलते हैं क्योंकि सर तो पुराने हैं, सर का तो अनुभव है यहाँ पर। तो समस्या आपने देखी होगी, तो उसका क्या समाधान है? अब समाधान इमीडिएट देखते हैं अब क्या है। तो मतलब टेम्परेरी रहेगा या परमानेंट रहेगा? नहीं नहीं, अभी तो हम लोग अभी तो रिपेयरिंग जैसे करेंगे जी, ठीक है जी, परमानेंट में इसका एस्टीमेट बना के जो भी है जी, परमानेंट में तो ऊपर हाई लेवल पे बात होगी। नहीं नहीं, हाई लेवल पे नहीं सर जी, इसका एस्टीमेट हम बना के प्रेसिस कर देंगे शासन को, वहाँ से स्वीकृति आने अंडरग्राउंड करने के लिए, अंडरग्राउंड हाँ, ये दोबारा जो रिकंस्ट्रक्शन होना है नीचे तोड़ के, ये वाला ये दोबारा तोड़ के होना है, इस मैटर में अंडरग्राउंड में नहीं पॉसिबल है ना, अंडरग्राउंड क्योंकि हमें उधर खेतों में पानी पहुंचाने के लिए यहाँ की खेत की मेंटेनेंस ही करना पड़ेगा, इसका लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, अगर हमने इसको डाउन कर दिया तो वहाँ पानी नहीं पहुंच पाएगा, सारा यहीं रह जाएगा। सर सेकेंडली की क्या बोलते हैं कि हमें बहुत पॉल्यूशन देखना पड़ रहा है नहर की वजह से, मानता हूँ कि पब्लिक कर रही है, बट इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन तो लिया जा सकता है, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है ये कूड़ा कचरा देख सकते हो, हमारा देश तो स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है और ऐसे स्वच्छता तो आप समझ सकते हो, प्रधान बोलेगा ये PWD की रोड है तो इंटरफेयर नहीं करेगा, नहीं नहीं प्रधान अपनी जनता से बोल सकते हैं कि इसमें कूड़ा ना डाले जी, बट सिंचाई विभाग इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा? प्रधान अपनी जनता से बोले, जिनसे जो वोट बैंक है उनसे बोल तो सकते हैं कि आप इसमें ना डालें, कूड़ा कूड़े की गाड़ी में डालें जी, साइन ऑफ भी कर दो, रिक्वेस्ट तो हम कर सकते हैं, बट इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहेंगे आप? ये जो ये पॉल्यूशन क्रिएट होता है इसके रिगार्डिंग हमारे जिलेदार सेक्शन की तरफ से जी सबको नोटिस कर सकते हैं, और नोटिस के बाद फिर उनके चलान करेंगे, पहले नोटिस किया जाएगा फिर चलान करेंगे। और आप देख सकते हो कि टाइफाइड मलेरिया जैसी बीमारी होती है, तो गर्मियों में क्या होता है लाल लाल कीड़े यहाँ पे दिखाई देते हैं, और मेरे पास फुटेज भी है उसकी, ठीक है, तो उसका क्या समस्या है? देखिए इसमें अगर ये घरों का पानी गंदा पानी जी जो इसमें इलीगल है डालना जी, ठीक है, वो बंद कर दें तो ये कंडीशन आएगी, बाथरूम का पानी घर का कचरा सब इसमें डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, इसके लिए तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा ना, पूरी पंचायती सबको जेल का भी है, डिपार्टमेंट का कोई आदमी क्या बोलते हैं, तो गांव की जिम्मेदारी है, नहीं तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा इसके लिए, भैया पूछ रहा हूँ, गांव वाले तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जिम्मेदारी नहीं लेते मेल, क्योंकि देखो मेंबर और ऐसा नहीं है, इसमें दो तीन मौतें पहले हो चुकी है पानी में बच्चों की, और जानवरों की बहुत मौतें होती है, और जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है ये जंगली जानवर खाते हैं पॉलीथिन वगैरह को, तो उनके भी हेल्थ को इश्यूज होते हैं। देखो पॉल्यूशन जो हम पानी आपको दे रहे हैं प्रोवाइड करा रहे हैं लिफ्ट स्कीम से, वो बिल्कुल फ्रेश पानी मिलता है, उसमें कोई पॉलीथिन नहीं होती ना उसमें कोई ऐसे कचरा होता है, ये कचरा आपके थ्रू ही यहाँ पर जो पब्लिक के थ्रू डाला गया है, यही सारे करते हैं, ये लोकल है जो भी है, आप डिपार्टमेंट भी थोड़ा बहुत अपने स्तर से जैसे घर की नाली भी सीमेंट डाली हुई है, थोड़ा जन जागरूक अभियान चलाओ यहाँ पर, जो भी है प्रधान के माध्यम से जैसे भी आपको उचित लगे, हमारे राजेश जी हैं इनके माध्यम से जी, तो आप देख सकते हो सभी यहाँ पे हैं समस्या का समाधान के लिए, एक एस्टीमेट बना दो आप पूरा ना जी जी, इसका पूरा एस्टीमेट देखो, ये इसका तो फिलहाल टेम्पररी जो टेम्पररी व्यवस्था कर जी, हाँ ताकि नीचे लोगों को इस समय सिंचाई की रिपेयरिंग करके और सिर्फ जो ये कह रहे हैं और जो इधर आप पानी की बात कर रहे हैं उसको हम लगभग लगभग जीरो कर देंगे, इधर तो नहीं आएगा वो समस्या, आपकी सोल्यूशन में आ जाएगी, इनके सेंटर में ये वाला सेंटर में आ जाता है उसको दोबारा बना देंगे परमानेंट वाला, तो आप देख सकते हो आज 2 तारीख है 2 जून, ठीक है 2020, और हम आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड में, ठीक है सर, बिकॉज कल के दिन मतलब ये ना सुनने को मिले कि हमें कोई एप्लीकेशन नहीं मिली, फिजिकल में हमने एप्लीकेशन दे चुकी है रिटर्न में, और ये हमारी समस्या नहीं, गांव में बहुत लोगों की समस्या आई है। मैं यहां पर आपका सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो मतलब
इसका एक जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है या लोकल पब्लिक है, वो भी हमारा इस वे में कितना साथ देंगे कि वो अपना कूड़ा करकट इसमें ना डालें, क्या वो भी इस बात को मानते हैं कि हम डालते हैं नहीं डालते हैं? आप इस बात के लिए भी थोड़ा बहुत हमें वो बताएं, जनप्रतिनिधि से भी बात करें। तो मैं गाँव के निवासी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ कचरा ना डालें नहरों में और पानी की वैल्यू समझें और अपने अधिकारियों का इसमें समर्थन करें और स्वच्छ नहरें बनाने का अभियान में सहयोग करें। तो अब सर इसका टेम्परेरी काम रहेगा, तो इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या किया जाएगा? टेम्परेरी नहीं कहेंगे उसको, टेम्परेरी का मतलब है कि आज हुआ तो कल को टूट गया, ऐसा नहीं है। हम इसको रिपेयर कराएंगे, रिपेयर का लीकेज नहीं दिखाई देगा, हल्का वो सीपेज हो सकता है, लीकेज नहीं होगा, लीकेज बड़ा लीकेज वो नहीं होगा। सर आपका नेम? मेरा नाम रिंकू सिंह है, अपर साइड का। ओके, एंड सर आपका? ओके, थैंक यू सो मच सर। जैसे मेरे को सर लगता है कि जैसे अगर नहर ओपन है ना तो ऑब्वियसली बात है लोग मतलब डालेंगे, तो हम किस किस को रोकेंगे, बट अगर नहर जैसे अगर कवर है तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब लोग डालेंगे इसमें, उनको कोई मतलब कहीं से जगह मिले। साहब हमने वो गुरुम से ऊपर सारी कवर कराए थे, ओपन कराए थे, कवर करने सब लोगों ने तोड़ दिया अपने घर, कवर करने के बाद भी वहाँ तोड़े हुए तोड़ दिया, पता नहीं थोड़ा खर्चा, बट कवर करने से बहुत सारी समस्या हल हो सकती है, जैसे कि मतलब बच्चों को मतलब सेफ्टी रहेगी एंड जानवर जंगली जानवर भी इसमें पाए गए हैं। जंगली जानवर तो कोई आ गया होगा, अलग बात है, विभाग ने थोड़ी डाला, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो कूड़ा करकट और ये जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जो भी इसमें कर रहा है, वो ग्रामीण ही लोग कर रहे हैं। जी जी जी। और उसको आपकी ग्राम सभा एक है, उसमें आपने मीटिंग करके उसमें रखिए, आप कुछ आप भी उसमें कुछ वो रखिए कि जो ऐसा करेगा जिसके घर के सामने होगा जी जी जी। या जिसके घर के सामने सड़क टूटेगा वो जी जी जी। वो आप भी तो सहयोग करिए, गाँव वाले भी तो सहयोग करेंगे, ग्राम प्रधान के माध्यम से तभी तो होगा ये जी जी जी। ये जैसे आप कह रहे थे इसको अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड करने का, ऐसा एकदम एक जल्दी नहीं होता है, इसमें पहले देखना पड़ेगा कैसे अंडरग्राउंड होगा, इसका फिर आगे क्या पड़ेगा, क्योंकि ये इसको अंडरग्राउंड थोड़ी हम ले जाएंगे, तो पानी का लेवल है जी, इससे नीचे नहीं ले जाएंगे। बिकॉज जब से 1986 से बनी है ना, उसके बाद कभी रिपेयर अच्छे से हो नहीं पाई है, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा सर कि मतलब कभी बजट एलोकेट नहीं हुआ होगा इस नहर के लिए या राय वाले में जो अब बाकी नहरें हैं, तो 1986 के बाद अगर मैं आज देख रहा हूँ तो ये अभी हो रहा है, ये 86 के बाद जी जब से नहर बनी है, उसके बाद ढंग से कोई रिपेयर नहीं हुई इसमें, ऐसी आप देख सकते हो सामने कंडीशन देख सकते हो किस कंडीशन से लोग ऐसा है ना, खराब भी होती रहती जी जी जी, चलती रहती, टूट फूट होती रहती जी, ऐसा नहीं है कि रिपेयर नहीं हुए जी। तो सर अगर रिपेयर हो रही है तो फिर इसका तो कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए, टेम्परेरी अगर ऐसा रहेगा तो फिर तो आगे इन फ्यूचर भी प्रॉब्लम आएगी। ये तो परमानेंट तो कर रही है नहर, आपको परमानेंट नहीं, पक्की गली कच्ची है आपको, फिर जैसे अगर पहले भी इसमें रिपेयरमेंट हुई है तो फिर दोबारा प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रही है, फिर ऐसे इन फ्यूचर भी क्रिएट होगी प्रॉब्लम। एक ये कोई भी काम करते हैं उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक उसकी लाइफ होती है जी, किसी चीज़ की लाइफ होती है, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ऐसा तो आप मकान बनाओगे तो आपके साथ भी तो 200 साल चलना चाहिए, इसका लाइफ होता है 10 साल बाद ही उसमें प्लास्टर जड़ना है, लीकेज फिकेज वो सब होने लग जाता है जी जी। ये चीज़ें ऐसी हैं ना, ये इसको हम एकदम खत्म नहीं कर सकते, कहीं कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन बिना जन सहयोग के कुछ नहीं हो सकता जी जी जी। मैं अपनी जनता से रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर ऑन साइट में आने के लिए इन समस्या को समाधान करने के लिए। ये तो वहीं से हो तो तब पाइप का तब सब सही है, तो पंप से अगर इसका पाइप का होगा तब इसका तब इसमें मलवा नहीं, फ्यूचर में प्लानिंग हो सकती है, अभी तो करानी ये तो हम भी बोलते हैं कि पंप से अगर नहीं हो पाएगा उसमें कचरा फिर भी भाई एक डायरेक्ट नहीं जाकर यहाँ फ्लोर फ्लाट छोड़ दिया जाए और ऊपर वालों के लिए वहीं से छोड़ दें, उस गाड़ी से ऊपर वहीं छोड़ दें, ओपन छोड़ दें, सबसे बेस्ट बढ़िया रहता वो। चलो अभी ठीक है, फिर है ना समझिए, आपको समझा दिए, कोई दिक्कत होगी तो बता दें। तो देख सकते हैं आप मौके पे जेई साहब एंड एसडीओ साहब आए, उन्होंने मुआयना किया और मुआयना करके उन्होंने ये समाधान निकाला कि इस पर भी टेम्परेरी वर्क किया जा रहा है, जो भी ग्रामीणों की समस्या है उस पर वर्क किया जाएगा एंड इन फ्यूचर इसकी जो भी रिपेयरमेंट होगी उसको देखा जाएगा, और इन फ्यूचर अगर इसमें कोई भी डैमेज वगैरह आता है देखते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में सरकारी काम किस प्रकार होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड सभी को जागरूक करें कि नहरों में कचरा ना फैलाएं और स्वच्छ रखें पानी भी और हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ रखें।